नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति झा और इंडियन फूड विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मूली के पत्ते को आप कैसे कट कर सकते हैं और कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे वॉश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मूली के पत्ते लिए हैं, तो ये मैंने अपने ही गार्डन से लाया है, आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं। तो देखिए ये सिर्फ मूली के पत्ते हैं, अभी इसमें मूली नहीं हुआ है, तो मैं इसे इसी तरह से उखाड़ लेती हूँ और इसका साग बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं जब साग बना रही हूँ तो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ कि इसे कैसे कट करें, आप कैसे वॉश करें। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसे आपको बता रही हूँ कि आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं आप इसे एक एक करके तोड़ें। मैं आपको दो तरीका बताऊँगी इसे तोड़ने का। तो ये देखिए मैंने इसे एक एक पत्ते करके अलग करके इसे रख लिया है, एक एक करके तोड़ना है। इस तरह से आप अगर एक एक पत्ते अलग करते हैं तो आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें कीड़े नहीं हो। कीड़े अगर हो तो उस पत्ते को आप अलग कर देंगे। देखिए इसी तरह से आप एक एक पत्ते तोड़ते जाएंगे और जो इसके डंठल है उसे अलग कर देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पत्ते तोड़ लेंगे। तो ये तो था पहला तरीका। ये देखिए मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं और डंठल अलग कर लिए हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे बंच बना लेंगे और देखिए इस तरह से आपको अच्छे से रख लेना है आपको चॉपिंग बोर्ड पे। उसके बाद आप इस तरह का चाकू ले सकते हैं इसके लिए, और चाहे तो आप इस तरह का चाकू ले सकते हैं। तो अब देखिए अब मैं इसे किस तरह से कट करती हूँ। इसके जो डंठल है उसे एक साइड कर दूंगी और इसके पत्ते एक साइड कर दूंगी। तो ये तरीका थोड़ा आसान है। इसे अच्छे से आपको पूरा आपको बंच बना लेना है और ये इसका डंठल अलग कर देना है और इसके पत्ते अलग हो जाएंगे। तो ये था दूसरा तरीका। तो चलिए अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट करेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे को कट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कट करने का काम हो चुका है, तो अब हम इसे वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन का यूज़ किया है, तो इसमें मैं सारे कटे हुए जो पत्ते हैं उसे डाल दूंगी। और इसमें मैं पानी डालूंगी। आपको ज़्यादा पानी डालना है इसमें कि आपका जो ये पत्ता है वो डूब जाए, उतना पानी डालना है। और इसे आप अच्छी तरह से हिला के हाथ से आपको अच्छे से आपको वॉश करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप इसे वॉश करेंगे, क्योंकि मूली के पत्ते में बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है। तो ये देखिए मैंने इसे एक पानी से वॉश किया है और ये मैं दूसरा पानी ले रही हूँ। अब मैं वो सारे पत्ते को इसमें डाल दूँगी। इसे भी उसी तरह से अच्छे से वॉश करना है। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा पानी है, इसमें कितना ज़्यादा गंदगी है। आप देख रहे हैं कि पानी कितना गंदा हो चुका है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि नीचे देखिए कितना ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है। तो ये सारे जो है ना, अगर आप इसे अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो ये जब आप साग बनाएंगे तो उसमें आपका सारा गंदगी चला जाएगा और आपका साग बर्बाद हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको फेंकना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप इसे अच्छे से वॉश करें। तो ये देखिए ये मैं तीसरा पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं सारे पत्ते इसमें डाल दूँगी। इसी तरीके से आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये तीसरा पानी है, देखिए पानी क्लीन हो रहा है।
तो अब मैंने ये चौथा पानी लिया है, यानी कि चार बार मैंने पानी का यूज़ किया है। और अब मैं इसमें सारे पत्ते डाल दूंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितने अच्छे से अब पानी साफ हो चुका है, अब इसमें गंदगी भी नहीं है। तो अब मैं इसे एक थाली में निकाल लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारा पत्ता को निकाल लिया है अच्छे से। तो आपको इसी तरह से वॉश करना है, कट करना है। आपने सब सीख लिया कैसे कट करना है, कैसे वॉश करना है। आप चाहे तो एक दो पानी का और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसे अच्छे से वॉश करना। तो आप इसी तरीके से इसे कट करें, वॉश करें। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा हो आपको अगर मेरा ये वीडियो, तो मेरे चैनल इंडियन फूड विद ज्योति को लाइक सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कुकिंग से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।